हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शुभम और स्वागत करूंगा आप सभी का हमारे चैनल शुभ कदम में। तो दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक ट्रेडिंग सेटअप के ऊपर जो कि रिलायंस इंडस्ट्रीज में बना था। मतलब कल के मार्केट में अगर आप रिलायंस इंडस्ट्रीज का चार्ट खोलेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लगभग 5.5% की मूव यहाँ पर देखने को मिली। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा ट्रेडिंग चांस बन रहा था, बहुत ही यूनिक ट्रेडिंग सेटअप बना था जो कि बहुत कम स्टॉक्स में मिलता है। आज जब मैं बैक टेस्ट करने को बैठा तो मेरे को ये ट्रेडिंग सेटअप मिला। यहाँ पर मैंने क्यों इसमें ट्रेड नहीं लिया, मतलब मैं जो 5 स्टॉक्स आपको प्रोवाइड करता हूँ उसमें ये रिलायंस इंडस्ट्रीज का स्टॉक क्यों नहीं था, पर यहाँ पर इतना अच्छा यहाँ पर ट्रेड बन रहा था वो भी मैं आपके साथ एक्सप्लेन करूंगा कि ये स्टॉक मैंने यहाँ पर क्यों नहीं चूज किया। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर ट्रेडिंग सेटअप क्या बन रहा था ये आपको यहाँ पर बता देता हूँ। तो सब पूरा एनालिसिस करके मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। सबसे पहले चलेंगे 4 आवर की चार्ट पे। तो 4 आवर की चार्ट पे अगर हम आएंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि रिलायंस के स्टॉक में हो क्या रहा है। तो रिलायंस का स्टॉक आप यहाँ पर देख सकते हैं इधर से एक अच्छी इम्पल्स मूव लगाई, और इम्पल्स मूव के बाद में क्या होता है, करेक्शन। तो यहाँ पर रिलायंस जो है वो करेक्शन में था, और करेक्शन पे टाइम पे अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा देखेंगे तो यहाँ पर एक फ्लैग पैटर्न बन रहा था, यहाँ पर एक बुलिश फ्लैग पैटर्न बन रहा था। आप यहाँ पर एक फ्लैग पैटर्न देख रहे थे, देख सकते हो, और यहाँ पर इसका ब्रेकआउट भी हो चुका है, और ब्रेकआउट के बाद में ये यहाँ पर ऊपर गया और फ्लैग पैटर्न का रीटेस्ट करने के लिए यहाँ पर नीचे आया। बराबर है, इतने इधर तक आपको एनालिसिस पूरी समझ गई होगी कि एक अच्छा सा इम्पल्स मूव के बाद में यहाँ पर फ्लैग पैटर्न बना रहा है। फ्लैग पैटर्न बनाते बनाते यहाँ पर करेक्शन हो रहा है या फिर रिट्रेसमेंट ले रहा है, इस तरह से हम कह सकते हैं। और ये सब कहाँ पर हो रहा है, 4 आवर के टाइम फ्रेम में। बराबर है, 4 आवर के टाइम फ्रेम में ब्रेकआउट भी हुआ और यहाँ पर रिटेस्ट पर था स्टॉक। कल के मार्केट के एनालिसिस के टाइम पर रिटेस्ट पर था, और उसके बाद में क्या हुआ, थोड़ा सा हम यहाँ पर अभी 1 आवर के चार्ट पे चलते हैं। तो 1 आवर के चार्ट पे अगर हम आएंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या दिख रहा है, इधर से इधर तक एक इम्पल्स मूव दिख रही है और बाद में करेक्शन दिख रहा है। बराबर है, तो ये हम करेक्शन किससे मेजर करते हैं, रिट्रेसमेंट किससे मेजर करते हैं, फिबोनाची रिट्रेसमेंट से। तो आप अगर यहाँ पर देखोगे तो स्टॉक जो है वो 0.6 की जो लेवल है, आप यहाँ पर देख सकते हैं 0.6 की लेवल का भी यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है। मतलब यहाँ पर बाय करने के अभी तो हमारे पास दो कंफर्मेशन हो गए। पहला तो जो कि 4 आवर में फ्लैग पैटर्न बना रहा था उसका ब्रेकआउट करके रीटेस्ट पर है स्टॉक। अभी दूसरा कंफर्मेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगर हम इधर से इधर तक फिबोनाची लगाएंगे रिट्रेसमेंट, तो एक्यूरेटली 0.618 जो कि गोल्डन रेशियो माना जाता है फिबोनाची का, वहां पर स्टॉक जो है वो सपोर्ट ले रहा है और यहाँ पर सपोर्ट ले रहा था। ये हो गया हमारा दूसरा कंफर्मेशन। अभी यहाँ पर से आप सिर्फ सेटअप देखिए कि कितना अच्छा बन रहा है। अभी ये यहाँ पर से मैं रफ कर देता हूँ, यहाँ पर ये मैंने सिर्फ 0.618 का लेवल मार्क कर दिया और यहाँ पर भी और एक सपोर्ट है। तो ये दो कंफर्मेशन हमारे साथ हो गए। अभी मैं आपको यहाँ पर तीसरा कंफर्मेशन बताऊंगा। अगर हम यहाँ पर 15 मिनट के चार्ट पे चलेंगे तो 15 मिनट के चार्ट पे यहाँ पर क्या हो रहा है, थोड़ा सा आप यहाँ पर अगर गौर करके देखोगे तो यहाँ पर एक W पैटर्न बन रहा है, या फिर हम इसको डबल बॉटम नहीं कह सकते क्योंकि इसका एक बॉटम थोड़ा सा ऊपर है, पर हम इसको एक रिवर्सल पैटर्न अच्छा सा कह सकते हैं जो कि W पैटर्न है। और जैसे ही इसका ब्रेकआउट होगा तो यहाँ पर एक अच्छा सा ट्रेड बनता है। तो ये हमारा थर्ड सिग्नल हो गया, ये हमारा रिवर्सल पैटर्न हो गया। अगर आप मेरे को इंस्टा पे फॉलो कर रहे होगे तो मैंने आपको रिवर्सल ट्रेडिंग सेटअप प्रोवाइड किया है जिससे कि आपको पता चल सकता है कि कब स्टॉक रिवर्स मार सकता है। तो यही स्ट्रेटजी हमने यहाँ पर यूज की है। थोड़ा सा देखिए, 4 आवर के टाइम फ्रेम में ब्लैक का ब्रेकआउट हुआ, 1 आवर के टाइम फ्रेम में फिबोनाची रिट्रेसमेंट का सपोर्ट आ रहा है, ये सेकेंड, और यहाँ पर थर्ड हमारा पैटर्न भी बन रहा है जो कि W पैटर्न हम इसको कहते हैं। एक यहाँ पर हाइयर लो बना दिया, हाइयर हाई बना दिया, और उसके बाद में ब्रेकआउट भी दे दिया, और ब्रेकआउट के बाद में हमें यहाँ पर ट्रेड लेना होता है और अच्छा सा मूव हमें यहाँ पर कैप्चर हम यहाँ पर कर सकते हैं। पर ये हो गया कि यहाँ पर ट्रेडिंग सेटअप क्या बन रहा था, और ये ट्रेडिंग सेटअप बहुत ही कम स्टॉक्स में, तीन तीन कंफर्मेशन इतने अच्छे बहुत कम देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर मैंने ये वॉच लिस्ट में क्यों नहीं रखा है, मैं आपके साथ शेयर क्यों नहीं किया, इसका रीजन ये है कि अगर आप यहाँ पर देखोगे लगभग 2-3 दिनों से रिलायंस का जो स्टॉक है एक ट्रेंड में चल रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि परसों भी इसने यहाँ पर स्टार्ट किया और यहाँ पर एंड किया, मतलब इसका जो ओपन था वो डे का हाई था और क्लोज था
वो डे का लो था, इस वजह से मैंने क्या सोचा, इतना अच्छा यहाँ पर ट्रेंड चल रहा है और इस वाले ट्रेंड के बाद में यहाँ पर थोड़ा सा हमें कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है, इस वजह से मैंने ये स्टॉक अपने वॉच लिस्ट में नहीं रखा। इस वजह से मैंने इसकी डिटेल एनालिसिस नहीं की, क्योंकि यहाँ पर एक अच्छा सा ट्रेंडिंग मार्केट हो चुका था, ट्रेंडिंग मार्केट के बाद में हम कह सकते हैं कि यहाँ पर साइडवेज मार्केट दिखता है, तो इस वजह से मैंने इसकी प्रॉपर डिटेल एनालिसिस नहीं की और इसी वजह से मैंने ये स्टॉक वॉच लिस्ट में भी नहीं रखा। पर आज जब मैं ये कल के लिए एनालिसिस कर रहा था मंडे के लिए, तब ये ट्रेडिंग सेटअप मुझको मिला और मेरे को लगा कि आपके साथ शेयर करना चाहिए, आपको भी हेल्पफुल होगा इस तरह के ट्रेडिंग सेटअप देखकर, वो आपको भी अच्छा लगेगा। तो इसी वजह से ये वीडियो मैं बना रहा हूँ और आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो होप है कि आपको ये सारा वीडियो पसंद आया होगा, ये एनालिसिस पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, ये एनालिसिस पसंद आई है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, आपके फ्रेंड्स के साथ, ट्रेडिंग कम्युनिटी के साथ शेयर कर दीजिए और ऐसे ही वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू वेरी मच।